लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को आगे पढ़ने, लीनियर इक्वेशन मतलब वो एक चर वाले, चर किसे कहते हैं भाई, यानी वेरिएबल जिसका कि कोई फिक्स मान ना हो, जिसका वैल्यू जो है फिक्स ना हो। जैसे देख लीजिए एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसका कई कंडीशनों में यानी हर जगह इसका जो है मान बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, कहीं इसका मान एक्स का 5 मिलता है, कहीं 1/2 मिलता है, कहीं 0.5 मिलता है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग 2 का बात करें, 2 तो 2 कहीं भी रहेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा, तो यह क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, यानी जिसका मान न बदलता हो, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अचर, यानी अ प्लस चर, जिसका कि वैल्यू न बदले, जो न चले, जो न बदले, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अचर कहेंगे, और जो बदले उसको हम लोग क्या कहेंगे, चर। चर यानी चलना, यानी बदलना, जिसका मान बदलता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स क्या होता है, समीकरण, इक्वेशन मीन्स क्या होता है, समीकरण। समीकरण का डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। आप हम लोग लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसको लिख लीजिए, इक्वेशन का और लीनियर इक्वेशन का डिफरेंशियल लिख लीजिए। समीकरण,
इसका अर्थ हुआ समीकरण, समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो जहां भी आपको बराबर नजर आवे उसको हम लोग समीकरण कहेंगे। जैसे 5x + 2 = 7 यह क्या है, इक्वेशन है, यह क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि इसके बीच में क्या दिया हुआ है, इक्वल का चिन्ह दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, ठीक ना, टू साइड्स होते हैं। इस साइड को हम लोग करते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहेंगे हम लोग RHS, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, शॉर्टकट में इसको हम लोग लिखते हैं LHS और इसको लिखते हैं RHS। समीकरण क्या है, जैसे आप लोग बैलेंस देखे ना, तराजू देखे ना, जस्ट उसी तरह का ये तराजू है। जैसे मान लीजिए ये तराजू हो गया बैलेंस, इधर आप 5 kg आप लोग नमक रख दिए 60, इधर आप लोग रख दीजिए 5 kg का बाट रख दीजिए, बाट मीन्स समझते ना, बटखरा, दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर हम इसमें से 1 kg नमक निकाल लेते हैं, माइनस कर दिए 1 kg, तो कितना बच गया, 4 kg। अब बताइए दोनों बराबर है नहीं, कब बराबर होगा, जब इसमें हम 1 kg और प्लस करेंगे तब बराबर हो जाएगा। बराबर यह कब होगा कि जब हम इसमें 1 kg प्लस करेंगे तब, लेकिन जब हम बोले हैं कि 5 kg नमक है, इसमें से 1 kg निकाल दिए, तो बराबर नहीं हो रहा। बराबर कब होगा, दो स्थिति में बराबर होगा, कि तो इसमें 1 kg फिर जोड़ेंगे तब बराबर होगा, और नहीं तो फिर इसमें से भी 1 kg बाट निकाल दीजिए, 1 kg वाला 1 बाट निकाल दीजिए, कितना बच जाएगा, 4 kg बराबर होगा कि नहीं। फिर या दोनों में 1 kg जोड़ दीजिए, तो 5 था, 1 kg जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और इसमें भी 1 kg जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। जस्ट उसी प्रकार का हमें इक्वेशन दिया, समीकरण दिया, समझ रहे ना, यानी हम कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। समीकरण में अगर कोई चीज ऐड करना है तो दोनों तरफ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों तरफ करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ कर देंगे तो बराबर ही रहेगा, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ बराबर संख्या से कर देंगे तो फिर बराबर रहेगा, उसके मान में, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक। अब यहां पे देखिए 5x + 2 = 7 दिया है, तो हम लोग जब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने वक्त जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, टर्म्स मतलब समझ रहे हैं, टर्म्स इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पद, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक वेरिएबल वाला है और एक कांस्टेंट, इसमें 2 पद है, इधर क्या है, कांस्टेंट है केवल, तो LHS में 2 पद हो गए, RHS में केवल 1 पद है। तो इसमें जो हम बोल रहे हैं अभी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें जो वेरिएबल वाले टर्म्स है इसको छोड़ करके, इसको LHS में रखेंगे, इसको छोड़ करके बाकी जो बच रहा है उसको हम लोग RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5x हो गया = 7, प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2। समीकरण में याद रखिएगा
अगर कोई भी संख्या इधर प्लस में है तो समीकरण के आरएचएस में जाएगा तो माइनस में, अगर इधर माइनस में है तो वो आरएचएस में जाएगा तो प्लस में, अगर इधर वो गुणा में है तो आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर इधर कोई संख्या भाग में है तो वो आरएचएस में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इस चीज को लिख लीजिए, तो देखिए अब इसको हम इधर ले जाते हैं। समीकरण जब भी आप इक्वेशन जब भी सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो बीच में इक्वल का चिन्ह है तो उसके पहले हम लोग या लिखेंगे, या इसको हम मैथ में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको हम लोग मैथ में बोलते हैं इंप्लाई दैट। समझ में आ रहा, या इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। तीनों में से कोई भी, यानी इसमें या इसमें, आप दो लोग दो आप लोग जो है कोई भी साइन इसमें यूज कीजिएगा, ये वाला या ये वाला, ये तो हिंदी में हो गया। तो हम लोग या लिखते हैं पहले, तो 5x इक्वल टू कितना होगा, 7 में से 2 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। अच्छा ये बताइए, अब जो इक्वेशन है या किसमें है, एक्स में, तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का, इसलिए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ये देखिए तो इसके बीच में किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 5 में 5 का भाग देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए यहां पे इस मान को पुट अप करके हम लोग देखते हैं कि हमारा इक्वेशन सही है या नहीं। तो यहां पे x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और प्लस करेंगे 2 तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 ही आना था, 7 ही हमको लाना था। तो यह मान जो है इसमें पुट अप करने पर या इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है कि नहीं। इसका कुछ रूल लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, चार्ट पर रूल है। Rules for solving an equation. Equation को shortcut में ऐसे भी लिखते हैं, EQL लिख करके इसके नीचे में जो है लाइन खींचने के लिए उसको इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। पहला रूल है द सेम नंबर कैन बी एडेड, द सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड, बोथ साइड्स of an equation, of an equation, यानी हम समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं। The same number can be subtracted. To both sides of an equation.
समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटा सकते हैं। Both sides the same number can be multiplies to both sides of an equation. सेम नंबर कैन बी मल्टीप्लाइज टू द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, तो सेम नंबर से हम दोनों तरफ में गुणा कर सकते हैं, लेकिन जीरो को छोड़ करके, याद रखिएगा जीरो से करेंगे दोनों पक्ष जीरो हो जाएंगे, तो फिर इक्वेशन बनेगा कैसे, इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा, ए यानी जीरो को छोड़ करके। यहां पर हम बता दे रहे हैं लिव विदाउट जीरो